दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि सिंचन कैसे मर जाता है, दोस्तों जो ये सिंचन कार्टून है ये तो शायद आप सबका बहुत ही फेवरेट है और आपने ये कार्टून जो जरूरी देखा होगा। दोस्तों इस कार्टून में एक 5 साल का बच्चा सिंचन नुहारा सबको तंग करता है, जो कि एक शैतानी बच्चा होता है और अपनी शैतानियों से सबको हंसाता है। लेकिन दोस्तों इस मजेदार कार्टून के पीछे एक रुला देने वाला गहरा सच है। दरअसल ये कहानी है मिसाई और उसके परिवार की, जो कि जापान में रहने वाला बहुत ही खुशहाल परिवार था। उसके परिवार में मिसाई, उसका पति हैरी, उसकी बेटी हिमावारी और उसका एक नटखट बेटा सिंचन था और उनके पास एक प्यारा कुत्ता भी था जिसका नाम था सीरो। एक दिन मिसाई अपने बच्चों के साथ सिंचन और हिमावारी के साथ मार्केट गई थी शॉपिंग करने। सिंचन और हिमावारी की माँ शॉपिंग करने में व्यस्त थी और अचानक सिंचन ने देखा कि उसकी छोटी बहन हिमावारी सड़क पार कर रही है, वो भी बहुत व्यस्त सड़क जहाँ पर गाड़ी उड़ी पूरा चल रहा था। सिंचन अपनी बहन हिमावारी के लिए मदद करने के लिए उसके पास भागा, तभी उसी समय एक गाड़ी बहुत ही तेजी से आया और सिंचन और हिमावारी को टक्कर दे दी, जिसके कारण सिंचन और उसकी बहन हिमावारी की मौत हो गई। जब मिसाई को पता चला कि उसके दोनों बच्चे कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा। हर दिन मिसाई अपने बच्चों की यादों में एक पुस्तक में उनकी ड्राइंग बनाया करती थी। वो ये सोचकर ड्राइंग बनाया करती थी कि अगर आज मेरे बच्चे जिंदा होते तो वो कैसे दिखते। दोस्तों यही कारण है कि सिंचन कार्टून का नाम पहले क्रियोन सिंचन रखा गया था। और जब जापान के एक बहुत बड़ी कंपनी ने इसका ये पुस्तक देखा तो उसको ये बहुत ही अच्छा लगा। उसको ये ड्राइंग इतना अच्छा लगा कि उसने सिंचन के ऊपर एक कार्टून बनवा दी, जो कार्टून आप लोग आज देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन है इसको भी दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।